देश के सैनिक हैं, हमने देश के लिए आधा शरीर दे दिया, 64 हड्डियां हमने देश के लिए लड़ाई में दे दिए, अपना आधा शरीर दे दिया, लेकिन आज मैंने दोनों लड़ाई लड़ी है, 65 की 71 की। मौलाना खान क्या हुआ, अगर ये होता तो मौलाना खान नहीं होता, पत्थर क्यों फेंक रहे भारत में घुसपैठिया। ये हमारे देश में गद्दार बम फोड़ता है, विस्फोट करता है, कौन जिम्मेदार उसका होगा। देश के अंदर जो जयचंद छुपे बैठे थे, जो देश को टुकड़े टुकड़े गैंगों के रूप में बने हुए हैं, अब वो रूप हो गया है कि जैसे किसानी बिल्ली खम्मा लोचे। पूर्व सैनिक आगरा जनपद के सभी सैनिक पूर्व सैनिक सही सैनिकों की तरफ से मैं जनरल सेक्रेटरी प्रताप सिंह चार बोलता हूँ कि CAA एक ऐसा कानून लागू हुआ है जिसके भारत में भ्रष्टाचार दूर होगा, कौन कहाँ रह रहा है सबका परिचय होगा, अपना देश है, अपने देश में परिचय नहीं है, जिस बाप को अपने बेटे का पता नहीं, नाम का पता नहीं, वो क्या देश है, वो क्या घर है। इसलिए इस संबंध में हम ये बोलना चाहते हैं कि ये ऐसा अध्ययन है जिसके जिससे ये सिद्ध होता है कौन कहाँ कैसे रहता है, उसका परिचय होना बहुत जरूरी है। घर में जब तक परिचय नहीं है तो कौन कहाँ रह रहा है कैसे रह रहा है तो उसमें खलबली होती है, तो खलबली भारत में यही होता आया है, क्योंकि परिचय नहीं है कौन आई एजेंट कहाँ छुपा हुआ है, और इस एक्ट के अंदर ये पता चल जाएगा कि कौन IAS का एजेंट कहाँ पर है, कैसे छुपा हुआ है, जनगणना होगी उसमें परिचय होगा, वो देश क्या, वो घर क्या जिसमें परिचय हो, हर नागरिक का पता होना चाहिए, हर बाप को अपने बेटे का पता होना चाहिए, अपनी बेटी का पता होना चाहिए, समाज का पता होना चाहिए, देश का पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पर कैसे रहता है। तो ये CAA जो है लागू जो किया है भारत सरकार ने, वो एक उच्चतम और ऐसा मील का पत्थर साबित होगा, इसको कोई कर ही नहीं सका। कांग्रेस तो ढुलमुल नीच करती थी, कांग्रेस हमारा वो भूतपूर्व सैनिकों का वो आरपी को 40 साल तक लटका रहा, और लेकिन बीजेपी ने सरकार बनते ही वो आरोपी दे दी। इसलिए हम CAA के समर्थन में है, इससे ये पता लगेगा कौन कहाँ हो रहा है, मौलाना खान क्यों हुआ, अगर CAA होता तो मौलाना खान नहीं होता, क्यों हुआ कि ये पता नहीं है कौन कहाँ छुपा हुआ है, अब खलबली क्यों मची हुई है, पत्थर क्यों फेंक रहे हैं भारत में, जो पहले जेएंडके में फेंकते थे वो भारत में फेंक रहे हैं, और ये जो विरोधी पार्टियां हैं जो देश के गद्दार हैं वो CAA के खिलाफ ईट पत्थर फेंकवा रहे हैं, पैसा दे करके भगदड़ मचा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम पूर्व सैनिक आगरा जनपद के सभी सैनिक पूर्व सैनिक सही सैनिकों की तरफ से मैं जनरल सेक्रेटरी प्रताप सिंह चार बोलता हूँ कि CAA एक ऐसा कानून लागू हुआ है जिसके भारत में भ्रष्टाचार दूर होगा, कौन कहाँ रह रहा है सबका परिचय होगा, अपना देश है, अपने देश में परिचय नहीं है, जिस बाप को अपने बेटे का पता नहीं, नाम का पता नहीं, वो क्या देश है, वो क्या घर है। इसलिए CAA से ये पता चलेगा कि कौन कहाँ रह रहा है, और पुलवामा कांड नहीं होगा। भारत माता की जय। चलिए, और लोग भी और यहाँ पे सेना के लोग बैठे हैं, उनसे पूछते हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं राजन सिंह मेहरा शौर्य चक्रा त्रिपरा सब से रिटायरमेंट हूँ। आज मेरे को 2001 में मैंने आर्मी छोड़ दी थी और 20 साल देश की सेवा करी और 20 साल में इसको रिटायरमेंट हो गया। आज मोदी जी ने जो और NRC जो निकाली है, इससे एक तो देश के गद्दारों का पता लग गया। इस 70 साल में देश में हमारे देश को खोखला करने वाले जितने भी गद्दार हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग सब बाहर निकल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा कानून मोदी जी ने निकाला है जो ये गद्दार देश के गद्दार टुकड़े टुकड़े गैंग थे, इनके पीठ में लाठी मारी है, इनके पेट में लाठी मारी है, और इससे इनका इनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही है। इसलिए देश में हर जगह आगजमी, पथरावबाजी, स्कूलों में जामिया जैसा। हम एक देश के सैनिक हैं, हमने देश के लिए आधा शरीर दे दिया, 64 हड्डियां हमने देश के लिए लड़ाई में दे दिए, अपना आधा शरीर दे दिया, लेकिन आज दुख होता है हमारे तनख्वाह पे टैक्स लगा के ये जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में हमें ये गद्दारों को पाल रहे हैं। हम तो मोदी जी से कहते हैं ऐसे यूनिवर्सिटी में ताला लगना चाहिए, और जो ये हमारा हिंदुस्तान के नागरिकों का टैक्स का पैसा ये जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में खर्च किया जा रहा है, ये देश के विकास के लिए किया जाए, देश के अच्छे नागरिकों के लिए किया जाए तो अच्छा होगा। ये 70 साल के अंदर आज मोदी जी ने जो कानून पास करा, इसमें देश में हमारे कितने कीचड़ फैले हुए, जो हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, ये सारे गद्दार पार्टी सामने दिख गए, इनका चेहरा हमको दिख गया। आज CCA NRC संविधान में पार्लियामेंट में पास हुआ, जो ये कांग्रेसी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो इनके क्या कहते हैं विधायक सांसद बन के वहां पार्लियामेंट में गए,
को उन्होंने पास करा। आज यही विधायक पब्लिक को भड़का के कि भाई हमारे पास कुछ नहीं बचना अभी, और इसलिए सीसीए के उसमें ये भड़कुलेशन कर रहे हैं और ये लोगों को भड़का रहे हैं और पूरे देश में आगजमी कर रहे हैं। हम फौजी इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, हम फौजियों को ये बिल्कुल सहन नहीं है। जो भारत माता के ऊपर आंख उठाएगा हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, यही हम कह रहे हैं। आज आगरा जनपद के पूरे सैनिक हम इसके सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं। थैंक यू, जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं कैप्टन महेश कुमार चाहर सीए के समर्थन में बी सपोर्ट सीए, और मुझे पता है 32 साल नौकरी करके फौज में मुझे पता है कि घुसपैठिया क्या होता है। घुसपैठिया के फराकों में रात रात जाग रहते हैं हम लोग, घुसपैठियों को देश से नहीं रहने देंगे हम। और घुसपैठिया ये हमारे देश में गद्दार बम फोड़ता है, विस्फोट करता है, कौन जिम्मेदार उसका होगा? सरकार पर लाछा लगाओगे आप लोग? पहले घुसपैठिया घर में बुलाओ, फिर सरकार पर लाछा लगाओ। किसको अलाउ कर रहे हैं आप लोग? किसके बारे में रो रहे हैं आप लोग? पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए रो रहे हैं आप लोग? आप क्यों रो रहे हैं आप लोग? 14 पार्टियां पहुंच रहे मोदी की दिव्य दृष्टि प्राप्त विश्वविख्यात हमारे प्रधानमंत्री यशवंत सिंह मोदी पहली बार हमारे देश को ऐसे नए अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी मिले तो देश को बहुत ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। उनकी टांग खींच रहे लेकिन ईमानदार आदमी के साथ में ऐसा कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट लोग ये भी आई कि मोदी जी हमारे चुपचाप बैठे रहते क्यों करते हैं कार्रवाई, क्यों कर जरूरत पर है? उनको पता है कि मुझे देश को पकड़ना है, कोई दृष्ट राष्ट्र से ले जाना है, कोई देश को बले जाना है। पहले कौन जानता था भारत नहीं भारत विश्व में कौन जानता था? पहले आज जानते हैं कि भारत है कोई विश्व में। इसको हमें बी सपोर्ट मोदी एंड बी सपोर्ट सीए, बी सपोर्ट एनआरसी एंड विश्वविख्यात मोदी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो मैं आज तक बोल रहा हूँ 70 साल में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिसको ये वो कर गया। मैं भारत जय हिंद जय भारत मोदी जिंदाबाद सीए जिंदाबाद एंड मोदी। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे सीए पर? सूबेदार राजेंद्र सिंह 30 साल मैंने देश की सेना को दिए हैं और आज हम सैनिकों को यह प्रतीत हो गया है पूरी तरीके से कि मोदी जी के नेतृत्व में अब हर तरीके से स्वच्छ और सफाई होती नजर आ रही है। जो देश के अंदर जो जयचंद छुपे बैठे थे, जो देश को टुकड़े टुकड़े गैंगों के रूप में बने हुए हैं, अब वो रूप हो गया है कि जैसे किसानी बिल्ली खम्मा नोचे, इनके हाथ में अब कुछ नहीं है, इनका सब कुछ ओपन हो चुका है। तो अब देश में कोई किसी भी कोने पर बैठा हुआ गद्दार देश का देश में नहीं रह पाएगा। मैं सीएए के समर्थन में हमारी पूरी टीम और हमारे पूरे सैनिक तीनों सेनाओं के अंग मोदी जी के साथ खड़े हैं, योगी जी के साथ खड़े हैं और जयचंदों को निकाल के घर से बाहर निकालेंगे और इनको सड़क पे मारेंगे। भारत माता की।